हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग पे। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, रास्ते में चलते चलते ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक अच्छी सी जगह लेके जा रही हूँ, जो है मोहम्मदपुर के नए गवर्नमेंट हाउस जो बने हैं, गवर्नमेंट फ्लैट जो बने हैं, मैं आपके लिए उसका वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग पूरा इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। आप लोगों ने कमेंट भी बहुत किए थे कि मोहम्मदपुर के वीडियो बनाएँ, तो चलिए देखते हैं वहाँ के घर। यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, पहले आई कार्ड दिखा के फिर ही आपको टाइप टू टाइप थ्री सब दिखाएंगे। ये रहे मोहम्मदपुर के गवर्नमेंट फ्लैट, हम टाइप टू देखने जा रहे हैं, अभी अंदर चलते हैं। तो एंट्री कर लिया है हमने। ये है बी ब्लॉक, सेम वैसे ही बी ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, इस तरह से बना के जैसे प्रेम नगर में है। काम पूरा यहाँ का रेडी है, बस पार्किंग बन रही है तो इस चक्कर में यहाँ पे रुका हुआ है, बाकी सारा काम ऑलमोस्ट रेडी है वो बता रहे हैं। और दिसंबर में भी इसकी बिडिंग शुरू है, जैसे पार्किंग का काम हो जाएगा वैसे ही इसकी अलॉटमेंट खोल देंगे। तो ये है टाइप टू, 11 मंजिल की बिल्डिंग है। और ये है टाइप थ्री, ये भी 11 मंजिल की बिल्डिंग है। और इनमें ग्राउंड फ्लोर पर भी घर है, देख सकते हैं आप, सारे ग्राउंड फ्लोर के भी घर हैं। जैसे आपने देखा था त्यागराज प्रेम नगर में ग्राउंड फ्लोर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर से है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट है। बोल रहे हैं दिसंबर जनवरी भी बोल रहे हैं, ये भी तो इसके भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सैंपल फ्लैट देख सकते हैं आके। ये पार्क है छोटा सा, यहाँ पे मंदिर है सामने, आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप टू है। तो गाइज, यहाँ अंदर ही ये कम्युनिटी हॉल है, जैसे शादी फंक्शन पार्टी कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ सोसाइटी है। ये देखो, सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिटी हॉल है पूरा, बहुत बड़ा हॉल है। शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, जो भी आप करना चाहते हैं आप इस कम्युनिटी हॉल में कर सकते हैं। एंट्री शायद पीछे से होगी, मैं बैक साइड से आ रही हूँ। ये पूरा एरिया है यहाँ सोसाइटी का। अभी हम लोग चल रहे हैं टाइप टू देखने। ये है CPWD वगैरह सारा बना हुआ है। ये है लिफ्ट, लिफ्ट बनी हुई है। यहाँ पे स्टेयर है, लिफ्ट दो ही है, स्टेयर ही एक बड़ी लिफ्ट। अच्छा, ये बड़ी लिफ्ट सामान के लिए अलग से लिफ्ट है और लोगों के लिए अलग से है। और ये है स्टेयर, साइड भी स्टेयर है। चलिए, जब तो हम लोग लिफ्ट में ही जा रहे हैं, स्टार्ट हो चुकी है लिफ्ट। ये देखिए 11th फ्लोर तक घर बने हुए। तो ये हम आए हैं 4th फ्लोर पे। ये दो दो के हिसाब से, अच्छा दो इधर है और इस साइड भी है। अच्छा, ऐसे है, और दो इधर है, ऐसे प्लस में कर रखा है। ये आ जाता है एरिया, ये इस तरह से प्लस में दो। यहाँ पे लॉबी एरिया ज़्यादा नहीं है ना गाइस। ये है गार्बेज रूम, जैसे आपका कोई भी वेस्ट होता है, अपना कूड़ा वगैरह होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से करना है और यहाँ डाल देना है, सीधा अपनी जगह पे चला जाएगा जहाँ उसको जाना हो, बस बंद कर देना है। तो चलिए, ये हम घर दिखा देती हूँ आपको मैं। तो ये रूम नंबर 401 में आए हैं और इसका डोर ओपन करते हैं। तो ये डोर ओपन करते ही ये पहला जो है ड्राइंग रूम है, अभी इसमें काम भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का। तो ये एक ड्राइंग रूम आ जाता है पूरा। और ये ना ड्राइंग रूम में सामने बालकनी है, और ड्राइंग रूम में हम एंट्री करते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ पहले बालकनी। ये देखिए सामने बालकनी है, बालकनी भी अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, खूब बड़ी सी। तो ये देखिए 11वीं मंजिल से अगर नीचे देखेंगे तो कितना डरावना लगेगा। तो ये देखिए ड्राइंग रूम में हम वापस आ गए हैं। तो ड्राइंग रूम में जो हम दरवाजे से एंट्री करें ना, इसके साथ में ही किचन है, ये मॉड्यूलर किचन है इस तरह की। और ये फ्रिज का एरिया दे रखा है जो है, और ये पूरे कैबिनेट लगे हुए हैं। पाइपलाइन गैस की आ चुकी है, गैस की पाइपलाइन का कनेक्शन हो चुका है। और ये है ड्रॉअर, खोल के दिखा रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और इसी किचन के साथ एक छोटी बालकनी भी है जिसको वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, टैप वगैरह सब दे रखा है। ये छोटी सी बालकनी है,
और ये ऊपर एक पानी की टंकी भी है किचन की बालकनी में। ये मीटर लगा है गैस पाइपलाइन का। अब हम चलते हैं रूम की तरफ। तो ये किचन से निकल के ये पूरा हॉल आ गया। ये एंट्री गेट था, सामने बालकनी है और इसी के साथ ये दो बेडरूम आ जाते हैं और सामने जो है वो कॉमन बाथरूम है। तो ये देखिए, मैं आपको कॉमन बाथरूम दिखा देती हूँ पहले। तो चलिए, ये है पहला बेडरूम। अभी ये झाड़ू वगैरह पड़ी है, सफाई का काम चल रहा है। तो ये देखिए, पूरा बेडरूम है। अभी इसमें ना बालकनी नहीं है, बालकनी दोनों बेडरूम में नहीं है इसमें। और ये रही अलमारी, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ पूरी अलमारी। ये देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है, ऊपर भी है, ये अलमारी है और यहाँ पे खिड़कियाँ दे रखी है कांच की, आप एसी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये कांच की, देखिए नीचे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए, ये एक बेडरूम था, अब ये है दूसरा बेडरूम। सेम है दोनों बेडरूम, किसी में भी बालकनी नहीं है, सेम डिज़ाइन से बना रखा है। इस वाले बेडरूम में ये मास्टर बेडरूम आ जाता है, इसमें आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। ये देखिए, ये है अटैच टॉयलेट बाथरूम, इंग्लिश टॉयलेट बाथरूम है। इसमें सिटिंग टॉयलेट है, ये देख सकते हैं। चलिए, ये है पूरा रूम, अलमारी भी है, ये खिड़की है, फैन वगैरह सब लगे हुए हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इनकी भी। चलिए, अब यहाँ इसी का एक और देखते हैं, एक और घर। थोड़ा ना अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे कुछ घर। ये 401 है, तो ये इस डिज़ाइन में बना हुआ है, दूसरे डिज़ाइन में मैं दिखाती हूँ आपको। हमने ये वाले देखे थे, इससे हम आएंगे। तो ये प्लस में बने हुए हैं ना, तो इस साइड के जो घर है ना, जो नंबर बताती हूँ मैं आपको, 403 404 के इनके घर, ये जो घर है ना, ये वाले, इनकी बनावट थोड़ा सा चेंज है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ दो टाइप के घर क्वार्टर बने हुए हैं, एक उस टाइप का जो मैंने अभी दिखाया और एक ये है। एंट्री करते ही आपको ये हॉल मिल जाता है, हॉल है। ये है हॉल की बालकनी, इस साइड है किचन। अब जो ये बालकनी है, आपको दिखा दूँ, ये इस टाइप में है, जो किचन है, किचन की बालकनी सेम है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ही आता है किचन, मॉड्यूलर किचन है। यहाँ फ्रिज का स्पेस भी दिया हुआ है, पूरा फुली टाइल्स का काम है इसमें, एडजस्ट फैन लगे हुए हैं। और ये आ जाती है बालकनी किचन की, ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टैप आपको वॉशिंग एरिया के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये बालकनी लंबी है, थोड़ी चेंज है उस घर से, वहाँ से वहाँ उस वाले इससे पहले जो घर देखा उसमें सिर्फ किचन में और ड्राइंग रूम में बालकनी अलग अलग है, इसमें अटैच है। और एक मास्टर बेडरूम में दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये आ जाते हैं इधर, यहाँ पे दो बेडरूम है, देखिए। और ये है कॉमन बाथरूम, इंडियन सीट। एक सेकेंड, एक बेडरूम ये है, देख सकते हैं। यहाँ पे बालकनी नहीं है, उसमें खिड़की है एसी के लिए, टाइल्स देख सकते हैं। ये रहा आपका वार्डरोब, अलमारी। अब इससे बाहर जाएंगे, ये रहा आपका कॉमन बाथरूम, ये दूसरा बेडरूम, इसमें बालकनी है। ये रहा सामने वार्डरोब, पूरा रूम और अटैच टॉयलेट, इंग्लिश बाथरूम, टॉयलेट बाथ, लेट बाथ दोनों है इसमें, देख सकते हैं। अच्छे हैं ये भी। और इस रूम के साथ है बालकनी, ये भी अच्छा है। यहाँ पे बालकनी का ज़्यादा है स्पेस है, छोटी सी बालकनी है। और यहाँ देखिए, यहाँ का नज़ारा, बाहर का नज़ारा पूरा, ऊपर के फ्लोर से तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये देख सकते हैं। चलिए, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे दो, एक ही बिल्डिंग में दो टाइप के घर बने हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के। मैं भी भूल गई रास्ता कौन सा था। ये वाला रूम है, ये कॉमन बाथरूम है, ये हॉल है, वो किचन है, ये बालकनी है, हॉल से बालकनी और क्या कहते हैं, किचन से बालकनी अटैच। तो चलिए, बाहर चलते हैं।
इसी बिल्डिंग में गए थे हम, अब जा रहे हैं। तो ये है मेन रोड, रोड से ये एंट्री गेट है, देख सकते हैं। और रोड के उस पार केंद्रीय विद्यालय और सेंट थॉमस स्कूल है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था टाइप टू, तो ये दोनों जो रूम दिखाए हैं मैंने, क्वार्टर दिखाए हैं, ये टाइप टू ही है। तो यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में दो तरह के घर बने हुए हैं, आपको दोनों के डिज़ाइन मैंने दिखा दिए अलग अलग तरीके से। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए बाय।